तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप खुद के वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हो और ये 2 मिनट में आप कर सकते हो। हाँ, 2 मिनट में आप ये कर सकते हो। मैं आज आपको ये 2 मिनट में करके दिखाऊंगा। मेरे स्क्रीन पे साइड पे आप देख सकते हो मेरे एक वीडियो है, इस पर कॉपीराइट क्लेम आया है और मैं आज ये 2 मिनट में इस कॉपीराइट क्लेम को हटा कर दिखाऊँगा प्रॉपर डिटेल्स में और बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। चैनल में न्याय हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फ़ोन की स्क्रीन पे आपको डिटेल्स में समझाते हैं। चलिए देख सकते हो मेरे इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपका वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, आप लोग देख सकते हो। तो ये म्यूजिक की वजह से आया है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरा लिखा है जो म्यूजिक की वजह से आपका कॉपीराइट क्लेम दिया हुआ है, लेकिन आपका चैनल पे यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आपका खुद के वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हो और बहुत ही ईजी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और प्रॉपर डिटेल्स में आज इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पूरा वॉच कीजिए, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको क्रोम ब्राउजर पे। जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार पर आपको youtube.com सर्च कर लेना पड़ेगा। youtube.com में जैसे सर्च कर लेता हूँ ऐसे सर्च कर लेना पड़ेगा। सर्च करने के बाद कुछ डिस्टर्ब साइड में लेके आना पड़ेगा इसको, कुछ इस तरह से लेके आने के बाद देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लो क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये चैनल पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। क्लिक करने के बाद कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, कुछ इस तरह से। लॉगिन होने के बाद, ये जो लॉगिन हो रहा है अभी तक, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सी डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर डिटेल्स में समझाऊंगा मैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप नॉट अफेक्टेड, आपका चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस जो म्यूजिक आप ले हो इससे आपका चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जो कॉपीराइट क्लेम है ये रहेगा। तो और यहाँ पर देख सकते हो आपका वीडियो पब्लिश भी है, आपका वीडियो प्राइवेट नहीं हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपका वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, आप लोग देख सकते हो। तो ये म्यूजिक की वजह से आया है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरा लिखा है जो म्यूजिक की वजह से आपका कॉपीराइट क्लेम दिया हुआ है, लेकिन आपका चैनल पे यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यह तो इस तरह से आप देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है आपको, देखिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है इस कॉपीराइट क्लेम को हटाने के लिए, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रिम आउट स्टेटमेंट, यहाँ पर क्लिक करते हो तो आप जिस जगह तक कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है उस सॉन्ग को हट जाएगा। और रिप्लेस सॉन्ग का मतलब क्या होता है, आपका दूसरा कोई सॉन्ग वहाँ पर यहाँ से दे सकते हो आपका यूट्यूब लाइब्रेरी से। और म्यूट सॉन्ग का मतलब क्या होता है वो भी समझाऊँगा। वो क्या होती है, वो होती है आपका जो म्यूजिक है, आपके जो फुल म्यूजिक बॉलीवुड म्यूजिक दिया हुआ है वो म्यूट हो जाएगा और आपका वीडियो रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर डिस्पूट का मतलब क्या होती है, क्या आपका वीडियो में कोई भी सॉन्ग आप नहीं दिए उसके बावजूद भी कॉपीराइट दिया हुआ है। आप पूरा वीडियो देखिए, देखने के बाद आप देखते हो कि आप कोई भी म्यूजिक नहीं दिया हो इस वीडियो में तो अभी भी कॉपीराइट है वीडियो में। तो आप इससे डिस्प्यूट करके यहाँ पर आपको यूट्यूब को जाना सकते हो, लिख सकते हो, कुछ लिख के भेज सकते हो और यूट्यूब दोबारा चेक करेगा और कॉपीराइट नहीं है तो वो हटा देगा कॉपीराइट। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद यहाँ पर करने से
कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद आपका जो कॉपीराइट क्लेम है वो हट जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चले आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ और एक वीडियो में।